नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है NKP प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज और चलिए आज आपको अपडेट करने जा रहे हैं वो है PG फर्स्ट मेरिट लिस्ट से रिलेटेड। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सर्च करना है मारवाड़ी कॉलेज रांची। जैसे ही आप सर्च करते हैं जो सबसे ऊपर का लिंक आता है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं इस तरह से आपका ऑप्शन खुलता है। तो मैं अभी आपको लिस्ट भी बताने वाला हूँ कहाँ से देख सकते हैं, पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ सारा। आप अंत तक बने रहेंगे। जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं लाइक से सब्सक्राइब कर लें, बगल के बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हर तरह का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का लिंक भी दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, जैसे आप इसमें आते हैं देखिए थोड़ा सा आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको ऊपर में लिखा हुआ है MA MSc MCOM फर्स्ट लिस्ट पब्लिश्ड, और लास्ट डेट कब है एडमिशन लेने का, वो 30 सितंबर 2024 है। आपको क्या करना है, इसमें क्लिक करना है। जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं देखिए नीचे आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे कटअप आपको दिखेगा। तो कटअप दिखेगा BSc MSc कटअप, BCOM MCOM कटअप, यहीं पे BA MA का कटअप है। तो आपको MSc के लिए आपको MSc वाला में जाना है। यहाँ पे आपको क्लियरली लिखा हुआ है बॉटनी, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी, ये सब का आपका दिया हुआ है। अब इसमें जो आपका दिया हुआ है ये आपका मेरिट लिस्ट है। जैसे ही हम जैसे बॉटनी में जाते हैं तो देखिए बॉटनी जैसे जाइएगा इस तरह से आपको ऑप्शन खुल जाएगा, इस तरह का आपका ये खुल गया। तो ये जो आपका जिसका सिलेक्शन लिस्ट हुआ है उसको क्या करना है, तो इसको इस तरह से आपका डिटेल आपको दिखेगा। तो ये डिटेल जो दिख रहा है इसको क्या करना है, पहले आपको जा करके आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। अब बात करें जैसे मैथमेटिक्स का, जैसे ही मैथमेटिक्स में जाएंगे तो इस तरह का ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है जिसका नाम निकल चुका है उसको क्या करना है, तो इसी तरह सेम आपको अगर बात करें कि MCOM का, तो MCOM का यहाँ पर आपको दिया गया है, MCOM का दिया गया और सारा चीज़ दिया गया। अब गाइडलाइन की बात करें तो गाइडलाइन में हम आ रहे हैं। उसके बाद जैसे ही आप अपना गाइडलाइन में जाते हैं, गाइडलाइन में आने के बाद पूरा गाइडलाइन आपको मिल जाएगा कि किस बेसिस पर आपका एडमिशन लेना है, कैसे लेना है। तो आपका जो एडमिशन होगा, तो आपको क्या करना है, साफ साफ तौर पे आपको क्लियरिटी के साथ मैं बताना चाहूँगा कि आपको पहले डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो देखिए यहाँ पे कॉमर्स की बात हुई, वहीं पर नहीं आपका बात करें एमए की, तो एमए का जो है जिसका इस तरह का आपका ऑप्शन खुल चुका है, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, सबका खुल चुका है। लेकिन जैसे ही आप गाइडलाइन में जाएंगे तो गाइडलाइन का नहीं खुल रहा होगा। तो गाइडलाइन में क्या दिया गया है दोस्तों, तो गाइडलाइन में दिया गया है तो सीधा सीधी बात है जिनका लिस्ट में नाम आ चुका है उनको क्या करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। कहाँ पर अपलोड करना है, तो देखिए यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर जैसे ही आप जैसे देखिए आप फिर से मैं दिखा रहा हूँ, जैसे ही पहला ऊपर वाला में जाएंगे यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ा सा नीचे डाउन करेंगे तो उससे पहले जो है कि आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपका कॉमर्स PG, आर्ट्स PG बॉयज सेक्शन एंड साइंस PG। ये तीनों जो है कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस सब वाइज सेक्शन में होता है। तो जिसका कॉमर्स होगा आपको अपलोड डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका एक गूगल फॉर्म खुल जाएगा। गूगल फॉर्म खुलेगा तो इसमें आपका PG के लिए है, देखिए आपका डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स मारवाड़ी कॉलेज रांची का दिया गया है। तो आपको PG का यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, पहले ईमेल आईडी लिखना है, स्टूडेंट नेम लिखना है कैपिटल लेटर में, फ़ोन नंबर, एप्लीकेशन नंबर जो है और फॉर्म नंबर दोनों आपको फॉर्म में मिल जाएगा। वहीं पर आपका सिलेक्शन लिस्ट में कौन सा नंबर है वो डालना है। यहाँ पर आपका डाला गया है ग्रेजुएशन ऑनर्स परसेंटेज, तो इसमें ग्रेजुएशन ऑनर्स परसेंटेज डाला गया है। तो ग्रेजुएशन ऑनर्स परसेंटेज मतलब ऑनर्स जो था आपका, जैसे कि CC1 की बात करें CC14, इसी तरह 1 2 3 4 14 हो गया, DSC 1 से लेकर के 4 हो गया, CC लैब की बात करें तो ये 1800 का आपका होगा। तो वो उसको 1800 में कितना आपका आया था और ऑनर्स परसेंटेज वो आपको डालना है। अब यहाँ पे दिया गया अपलोड ग्रेजुएशन ऑनर्स परसेंटेज फॉर्मेट लिंक इज गिवन बिलो। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे आपका एक लिंक दिया गया है, जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन आपका खुलता है। तो ये जो फाइल आपका डाउनलोड होगा, जैसे ही आप फाइल डाउनलोड करेंगे इसको ओपन करेंगे तो इसमें आपको एक लिंक खुलेगा फॉर्मेट, जैसे ये फॉर्मेट खुल रहा है तो फॉर्मेट खुल रहा है। तो यहाँ देखिए सेमेस्टर ऊपर में क्या दिया गया है, सेमेस्टर कौन सा सेमेस्टर था भैया, फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेकंड, थर्ड ईयर, जो भी आपका था उसको आपको क्या करना है उसमें डालना है। अब इसमें पेपर क्या था, तो जैसे फर्स्ट में आपका होगा ऑनर्स पेपर 3 होगा, सेकंड सेमेस्टर में आपका ऑनर्स पेपर 3 होगा, लेकिन वही हम बात करें कि सेमेस्टर 4 और 5 में जाएंगे तो उसमें ऑनर्स पेपर और DSC दोनों बढ़ जाएगा। तो उसके अनुसार जो है यहाँ पर पेपर का नाम लिखना है और मार्क्स लिखना है, उसमें कितना आया था टोटल मार्क्स लिखना है और ऑनर्स लिखना है। ये सिर्फ आपका जो है डिटेल आपका होगा, ये तो डिटेल आपका सिर्फ मांगा जा रहा होगा वो है ग्रेजुएशन ऑनर्स का, ये ऑनर्स का है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ कि आपका ऑनर्स का हो गया और ग्रेजुएशन ऑनर्स परसेंटेज हो गया, वहीं पे बात करें ऑनर्स के साथ साथ में आपका टोटल का एक होगा तो उसमें टोटल में भी आपको जाना है। टोटल में भी जाएंगे तो हमको यही इस तरह से मिलेगा, देखिए ये ऑनर्स का खुल रहा है। तो ऑनर्स में CC1 CC2 लैब का क्या था, सेमेस्टर 2 का बात करें तो उसमें आपका ऑनर्स का कितना परसेंटेज था जो 1800 में था, तो ये आपका इसमें आपको भरना है।
इसको पहले डाउनलोड कर लीजिएगा, इसको भर लीजिएगा। उसके बाद में सेकंड जो अभी मैंने आपको बताया था उसमें जैसे कि ये ओपन वाला में ये ओवरऑल वाला होगा, ओवरऑल आपका 3000 में होगा। दोनों के डाउनलोड करके भर लेना है और इसको आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ पे देखिए अपलोड ग्रेजुएशन मार्कशीट आपको जो मिला है वो डालना है। यहाँ पे अंडरटेकिंग फॉर्म डालना है, तो अंडरटेकिंग के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है, आपको इसमें क्लिक करना है। जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं आपका अंडरटेकिंग फॉर्म खुल जाएगा, इसमें आपको भरना है अंडरटेकिंग फॉर्म। अंडरटेकिंग फॉर्म भर के आपको क्या करना है, इसमें अपलोड करना है। अपलोड करेंगे अगर CUT आपका था तो CUT डालना है, नहीं तो नहीं डालना है। वहीं कास्ट सर्टिफिकेट अगर होगा तो कास्ट सर्टिफिकेट, अगर कास्ट वाइज हुआ हो तो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए ही। अगर EWS से हुआ होगा तो EWS सर्टिफिकेट, BPL से हुआ हो तो BPL सर्टिफिकेट डालेंगे। डिक्लेरेशन में कॉल करें आप सबमिट करेंगे और उसके बाद में आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट कर देंगे 24 से 48 घंटा के अंदर में आपको अप्रूवल मिलेगा। तो ये रहा PG कॉमर्स का, उसी तरह से PG बॉयज़ का जो यहाँ पे दिया गया उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, साइंस का इसमें अपलोड करना है। जैसे ही आप अपलोड कर देंगे, अपलोड करने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको 12 से 24 घंटा या 24 से 48 घंटा वेट करना पड़ेगा ये चांसलर पोर्टल में। जैसे इसमें अपलोड कर दिए, अपलोड करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है अभी अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉलेज में नहीं होगा। आपको क्या करना होगा, ये सब सारा चीज़ जैसे ही आप अपलोड कर देंगे चांसलर पोर्टल में आपको अप्रूवल मिलेगा। तो जो चांसलर पोर्टल में आपको अप्रूवल मिलेगा, चांसलर पोर्टल में जाएंगे, वहाँ पे जाकर के आपको पेमेंट करना होगा। यहाँ पे चेक करना होगा कि आपका पेमेंट कि उसमें अप्रूवल मिला है या नहीं मिला है। जिस तरह से UG का हुआ था उसी तरह से सेम PG का आपको देखना है, कॉलेज से अप्रूवल हो गया होगा तो पेमेंट करना है। पेमेंट करने का प्रोसेस क्या है उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दे रहा हूँ कि पेमेंट करने का प्रोसेस क्या है, उसमें जाकर के आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद में वेट करेंगे, जब भी आपका लिस्ट आएगा, जब भी आपका एक नोटिस आएगा कि आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, उस समय कॉलेज आकर के फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। तो बने रहेंगे NKP प्रोडक्शन के साथ। इसी तरह से सारा अपडेट पाने के लिए मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा, पहले आपको क्या करना है, जिनका नाम आ चुका है उनको गूगल फॉर्म में ये भरना है, ये गूगल फॉर्म में आपको भरना है। आप डिटेल भर देंगे, जैसे ही डिटेल भर देंगे, डिटेल भरने के बाद में 12 से 24 घंटा या 24 से 48 घंटा के बाद में अप्रूवल मिलेगा। अप्रूवल आपको चांसलर पोर्टल में मिलेगा, आपको कोई भी मैसेज नहीं आएगा, कोई भी कुछ नहीं आने वाला है। डायरेक्टली आपको जाकर के चेक करना पड़ेगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर लीजिए, उसमें आपको दिया गया है नोटिस, ये मैं बना दिया हूँ वीडियो, उसका लिंक दिया हुआ है कि पेमेंट कैसे करना है, उसके थ्रू से पेमेंट करेंगे। पेमेंट करके वेट करेंगे जब तक नोटिस नहीं आता उसका, और नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ उसमें भी कनेक्ट हो जाए ताकि हर तरह का अपडेट आपको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।